कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हिजाब को लेकर इशारों इशारों में कर्नाटक की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हिजाब के चक्कर में देश की बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि माँ सरस्वती सभी को ज्ञान देती है, ना कि वो भेदभाव करती है। बता दें कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कुछ कॉलेजों में हिजाब बैन किए जाने के बाद मुस्लिम छात्रा इसका विरोध कर रही हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, छात्राओं के हिजाब को उनकी शिक्षा में आड़े आने देकर हम भारत की बेटियों का भविष्य खराब कर रहे हैं। माँ सरस्वती सभी को ज्ञान देती है, वो भेदभाव नहीं करती।